हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सभी सब एकदम सब फेस्टिवल वगैरह दिवाली वगैरह सब अच्छे से एंजॉय किया है। आई डोंट नो ये वीडियो कब लाइव होगा, बट आज तारीख क्या है, अराउंड 28 नवंबर, एंड मैं ऑटोलॉक पे आया हूँ क्योंकि हमारे जो एक दोस्त है संजू, उनकी ये मोजो है एंड उसमें से कूलेंट लीक हो रहा है। तो हम खोलेंगे उस पार्ट को जहाँ से लीक हो रहा है एंड उसको सील करने का ट्राई करेंगे। 100-200 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड प्रोबेबली उसके बाद ही मैं ये वीडियो लाइव करूँगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये लॉक खोलेंगे, सब कूलेंट कलेक्ट करेंगे एक साफ कंटेनर में जितना कूलेंट बचा पाएँ, देन 1, 2, 3, 4 ये नहीं खोलना पड़ेगा शायद, 1, 2, 3 खोलना पड़ेगा, एंड दिस पम्प एरिया शुड कम आउट। बाहर निकालने के बाद उसको क्लीन वगैरह करेंगे, देखेंगे जो पेपर है कितना डैमेज्ड है, जो अपना ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, जो पैकिंग रहता है वो कितना डैमेज है। अगर पैकिंग ज़्यादा डैमेज नहीं है तो वी विल फिल दी जो यहाँ का सीलेंट आता है, इंजन का हेड का वगैरह सब जगह का जगह सीलेंट आता है, वो सीलेंट लेके आए हमें, वो सीलेंट चारों साइड से डाल देंगे एंड वील अगेन फिक्स इट बैक, एंड उसके बाद चला के देखेंगे 100-200 किलोमीटर के सब ठीक चल रहा है कि नहीं। अभी हमारे पास ये पैकिंग मटेरियल ब्रांड न्यू नहीं है, इसलिए वी गोइंग टू ट्राई दिस। वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो देन वी हैव टू समहाउ ऑर्डर एंड गेट दी पैकिंग मटेरियल, ऑर्डर करना पड़ेगा एंड देन काम आगे जाएगा। तो ये सब एरिया ऑलरेडी रस्टेड जैसा लग रहा है एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक, ये जो बोल्ट्स वगैरह कोई तोड़ना नहीं है, तो हम थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे सो दैट इट ओपन्स ईजिली। अब सबसे पहले मैं ये क्लिप निकालूंगा और इसमें से जो भी कूलेंट गिरेगा इस पाइप में से, ये स्ट्रेट हम कलेक्ट करेंगे इस फनल के थ्रू, इस नीचे एक ट्रे रखी है मैंने साफ़ करके, उसमें ये कूलेंट का पाइप मैंने खोल लिया है एंड इसमें से कूलेंट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। ये आधा लीटर से शायद कम रहेगा, थोड़ा सा कूलेंट इसमें से भी भरा है। अभी नेक्स्ट मैं ये जो 3 बोल्ट्स हैं, 1, 2 और 3 ये खोलूँगा, ये लूज़ कर लिया है मैंने, नीचे वाला एलन से खोलना है। तीनों बोल्ट निकालते ही ये ऑयल जो रेडिएटर पंप है, कूलेंट वाटर पंप, ये बाहर आ गया है एंड इधर कुछ सील तो लग नहीं रहा है, पेपर सील, ये रबर थी और रबर के बाहर ये कुछ और सॉल्वेंट पहले ही शायद मारा है। तो क्या करेंगे, ये सब अच्छे से निकालेंगे, क्लीन करेंगे, एकदम फ्लैट सरफेस करेंगे इसको पूरा क्लीन करके, देन रबर डाल के अंदर, फिर ये जो मैं लेके आया हूँ ये मुझे पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा किधर काम आएगा। ये 3/3 अलग टाइप के RTV लेके आया हूँ मैं, सो चेक करूँगा जो मैच होगा इसके लिए, पढ़ के चेक करूँगा एंड वो इसमें लगा के वापस ये हम फिक्स कर देंगे। इधर ओरिंग जो है और ये साइड का कवर जो है, ये दोनों पूरा क्लीन कर दिया है, ओरिंग अंदर बिठा दिए, अभी क्लीन करेंगे सामने का पार्ट। अब क्लीन करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, नीचे साइड से मैंने कूलेंट का ट्रे हटा दिया है जिसमें क्लीन कूलेंट पड़ा है एंड वैसे वो कूलेंट शायद यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं नया कूलेंट लेके आया हूँ, ये कूलेंट ऐड करेंगे, बट जस्ट इन केस वो इमरजेंसी में कूलेंट यूज़ करना पड़ा तो उसको और ख़राब नहीं करते। तो ये ब्लेड लिया है मैंने पुराना, उससे प्लेन एकदम सिंपली इसको घिस के निकाल देना है, सब साइड से पूरा निकाल देना है, किधर भी सरफेस अनइवन नहीं होना चाहिए। अनइवन रहेगा सरफेस तो फेस टू फेस जो कैप है वो मैच नहीं होएगा, बैठेगा नहीं और फिर से कूलेंट लीक शुरू हो जाएगा। तो ये स्लोली स्लोली सब जगह से निकाल देना है। अब ये पूरा क्लीन हो गया है, मैंने हाथ से चेक कर दिया किधर कुछ अनइवन पार्ट नहीं है, आपको कलर्स अलग दिखते रहेंगे बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अनइवननेस, वो एल्युमिनियम का कलर चेंज हो गया। अ क्लोजर लुक ऑफ हाउ क्लीन इट इज, मुझे थोड़ा और दिखा तो मैंने निकाल दिया सब जगह से, किधर भी कुछ रहना नहीं चाहिए इस एरिया में, वो जो पुराना फेस था क्योंकि वो रह गया तो इंजन में किधर अगर अटक गया तो इट विल स्टॉप, इट विल ब्लॉक दी कूलेंट फ्लो, और वैसा कुछ हमको करना नहीं है। अब जो मेरे पास सीलेंट है, तीनों भी ब्लॉक पिस्टन पे जो लगाते हैं हाई रेजिस्टेंट है, तो मैं फिर 3 बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसको पूरा यूनिफॉर्मली यहाँ लगा देंगे रबर पे, ओके, तीनों साइड पे, दोनों साइड पे लगा देंगे रबर पे। ये आ क्यों नहीं रहा है, यो हाँ, ये पूरा यूनिफॉर्मली लगा देंगे एंड फिर उस पर फिक्स करते हैं। सो ये 3 बॉन्ड अच्छे से सब साइड से डाल दिया है, अब टाइम है उसका इस साइड पर लगाने का, मेरे हाथ पे भी चिपक गया है। अयो हाँ, ये सरफेस पे आ गया, उसके बोल्ट्स मैंने छोटा वाला नीचे डाल दिया,
बड़ा वाला इधर डाला और एक और इधर डाला, इसको टाइट कर देंगे। ये जो यहाँ का बोल्ट है ये स्लिप था, ओके। तो ये छोटा वाला जगह पे घूम रहा था, और ये जो ओरिजिनल बड़ा वाला इन लोग ने डाला था वो कुछ ऐसा था, अंदर शायद उसने तहस नहस कर दिया। अगर फीचर में वापस लीकेज होता है तो ये पूरा खोल के बाइक लेके जानी पड़ेगी किसी यू नो जहाँ पे वो इसमें ड्रिल करके नया थ्रेडिंग करके दें और फिर नया बोल्ट अच्छे से बैठेगा। तब तक ये मैंने अभी जुगाड़ किया है, मैंने एक लंबा बोल्ट लिया है जो पूरा अंदर जा नहीं रहा है, और बिकॉज़ वो पूरा अंदर नहीं जा रहा है तो ये इस पार्ट को टाइट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या किया एक 10 नंबर का नट बीच में लगा दिया है, ओके। तो उसकी वजह से ये सब पूरा टाइट हो गया है। ये ओरिजिनल यहाँ से लीक हो रहा था, अब शायद वो सब बंद हो जाना चाहिए। अभी इसको अच्छे से साफ़ करता हूँ और फिर कूलेंट डालता हूँ। पाइप तो बैठ गया आसानी से, वैसे ये बाइक इधर बार बार गंदी होने वाली है इसलिए अभी हम वॉश नहीं कर रहे, और जिस जगह पे काम करना था उससे कुछ रिलेटेड नहीं था, ये पुराना कूलेंट यहाँ पे पड़ा है। तो अब जब टैंक लग जाएगी, टैंक पेंट में है, जब लग जाएगी तब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आइडल पे 10-15 मिनट रखेंगे, उसके बाद फ़ैन एक दो बार चलेगा एंड कूलेंट का लेवल ड्रॉप होगा रेडिएटर में, वो यहाँ से सक करके ऊपर लेगा, और जब वो ऊपर लेगा टैंक में कम हो जाएगा तो टैंक पे हम क्या करेंगे अभी एम लेवल पे अभी कूलेंट भर के रख देंगे। ये इसका लो मिनिमम लेवल है, ये मीडियम है और ये मैक्स है, इस पे 3 लेवल दिया है, तो इस लेवल पे भर के रख देंगे अभी। अभी अंदर डालते हैं, ओ ये कूलेंट का कलर कुछ अलग ही है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ये प्रीमिक्स है क्या है वो चेक नहीं, बहुत टाइम पे याद आया मुझे, ज़्यादा गया नहीं है अंदर, अभी भी लोअर लेवल पे ही है। सो ये प्री मिक्स नहीं है, इसमें लिखा है आपको 30% पानी ऐड करना है, डिस्टिल्ड वाटर और एज़ पर मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन। सो बेसिकली ये जो है पूरा प्योर गाढ़ा कूलेंट लग रहा है, बट एनीवेज अपन इसको ऐड कर सकते हैं, अभी तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, बाद में डाल देंगे। सो क्या करेंगे, 70% ये रखेंगे, 30% डिस्टिल्ड ऑयल रखेंगे, मतलब अगर 70 ml ये डाला है तो 30 ml डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसको इससे टॉप अप कर दे रहा हूँ क्योंकि अंदर ऑलरेडी पानी है काफ़ी, कूलेंट है, वो प्रीमिक्स हो जाना चाहिए। एंड वैसे भी ये ट्रायल है लाइट्स का है, अगर सब कुछ सही चलता है तो ये पूरा ड्रेन करके कूलेंट अच्छा वाला नया डाल देंगे। लाइट चली गई, सॉरी मुझे वीडियो भी इसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये पुराना वाला कूलेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको फेंक देंगे बिकॉज इसमें बहुत सारा कचरा भी गिरा है और पुराना भी है, तो टेस्ट करना ही है तो नए कूलेंट से टेस्ट करेंगे। एंड जैसे मैंने पहले बताया, अगर सब कुछ सही चलेगा तो कूलेंट निकाल के पूरा फ्रेश डाल दें। अब यहाँ पे कूलेंट मेरे को लेवल इसमें दिख नहीं रहा है ऐसे, तो मेरे को पूरा कवर निकाल के चेक करना पड़ेगा, इधर शायद नीचे आ गया है इस लेवल पे। तो कूलेंट अभी ये पैनल खोल के टॉप करते हैं, यहाँ पे लीक वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी, उनके सब कुछ वैसे एकदम ओवरऑल तो ड्राई लग रहा है, ऐसे कुछ है नहीं, ठीक से साफ़ नहीं किया उस दिन हमने, वॉश नहीं हुई है बाइक तो, बट लेकिन ऐसे कुछ ड्रॉप्स वगैरह लीक नहीं हो रहे हैं। गाड़ी एक 20 किलोमीटर चला भी चुके हैं हम, वार्म अप के लिए भी रखा था 15-20 मिनट। तो ये पार्ट खोलता हूँ और चेक करता हूँ। तो अब मैंने खोल दिया ऊपर का कैप और ये सब कवर वगैरह, अब ये यहाँ से ऊपर लाइट डालने में पता चल रहा है कि कूलेंट इज बिलो दिस मार्क, तो इसको अभी टॉप अप करते हैं। मार्क अभी यहाँ पहुँचा है, अभी यहाँ पे आ गया है, विच इज़ रनिंग फ्रॉम हेयर। तो
तो गाड़ी स्ट्रेट होने पे ही अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। इतना छोड़ देंगे अभी, क्योंकि गाड़ी गर्म ठंडा होगी तो कूलेंट अंदर बाहर होगा, एंड डोंट वांट इट टू ओवरफ्लो, नहीं होना चाहिए। तो बाइक पूरी असेंबल कर दी है, सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ तो पसंद आ गया रहेगा, या फिर टिप्स मिल गए रहेंगे कि DIY छोटे मोटे फिक्स कैसे करते हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव अ मोजो। एंड मैंने काफ़ी सारे वीडियो मोजोस पे ऑलरेडी किए हैं, पूरा प्लेलिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, यू कैन गो एंड वॉच देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन अ न्यू वन वेरी सून, लाइक शेयर सब्सक्राइब। They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me 'cause I'm terrified you